अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियाँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गोभी वर्गीय फसलों में हीरक प्रष्ट पतंगा कीट की समस्या एवं बचाव के उपाय। अच्छे फलन और पुष्पन हेतु आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी प्रबंधन। गोभी वर्गीय फसलों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन इसकी खेती का क्षेत्रफल जितना बड़ा है उतने ही हानिकारक कीटों का प्रकोप भी इस फसल पर अधिक होता है, जिनमें हीरक प्रष्ट पतंगा कीट इस फसल को काफी हानि पहुंचाता है। इसलिए इस कीट की समय से रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो किसान भाई, इस कीट की रोकथाम के लिए किन किन उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर रविन्द्र प्रसाद से। गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं, जैसे फूल गोभी, पात गोभी या बंद गोभी, नौल खोल, गांठ गोभी जिसे कहते हैं आप, या ब्रोकला है, ये चारों जो फसल है वो एक ही परिवार का फसल है और चारों में एक ही तरह के कीड़े का आक्रमण भी होता है। यूँ तो फूल गोभी या गोभी वर्गीय फसलों में बहुत सारे कीड़े लगते हैं, लेकिन विश्व स्तर पर जो एक कीड़ा सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है उसको कहते हैं डायमंड बैक मौत या गोभी का पतंगा। ये जो कीड़ा है जहाँ जहाँ इसकी खेती होती है पूरे विश्व में इस कीड़े का प्रकोप भयंकर रूप से होता है और इससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। अब गोभी का पतंगा है क्या, डायमंड बैक मौत है क्या, एक बहुत छोटा तितली जाति का कीड़ा है जो कि बहुत ही छोटे आकृति का वयस्क अवस्था इसका होता है तितली, तो उसके पीठ पर हीरे के आकार का आकृति बन जाती है, इसीलिए इसको डायमंड बैक मौत यानी ऐसा मौत जिसके पीठ पर हीरे की आकृति बना हो जिसे डायमंड बैक मौत कहते हैं। वयस्क अवस्था नुकसानदायक नहीं है, इसका जो पिल्लू अवस्था है अंडा फूटने के बाद का जो अवस्था है लार्वा अवस्था है वही फसल को नुकसान करता है। जो मादा जो इसकी जो तितली होती है पत्तियों में अंडे डालती है, जब अंडा फूटता है तो उससे जो पिल्लू निकलता है जो कि पत्तियों के निचले सतह पर अपना भक्षण शुरू करता है, तो इन पिल्लुओं के भक्षण के चलते एक सफ़ेद झिल्ली दिखाई पड़ता है ऊपर से, और जो वही पिल्लू जब बड़ा होता है तो और जब खाने की मात्रा बढ़ती है तो जो झिल्ली है वो छेद का रूप ले लेता है। तो सभी कीड़े जब आपस में जब अपना अपना खाने का स्थान ग्रहण करते हैं तो इस तरह से पत्तियों पर कई छेद बन जाते हैं, कई झिल्लियाँ बनती है, उस बाद में छेद का निर्माण हो जाता है। और यही पिल्लू फूलगोभी के जो कट होता है यानी जो जिसको हम सब्जी के रूप में सेवन करते हैं वो फूल, उस फूल को भी नुकसान करता है। किसान भाइयों, ये कीट गोभी वर्गीय फसलों को काफी हानि पहुंचाता है, इसलिए समय पर इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाना चाहिए। तो कौन से हैं वो उपाय जिनको अपनाकर आप इस कीट की रोकथाम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो इसे बचने का जो उपाय है
कि इससे बचने के लिए भी साफ सुथरी खेती करना बहुत आवश्यक है। जब आप तैयार फूल को तोड़ते हैं तो बाकी जो पौधा है उसको आप खेत में ही छोड़ देते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। आप फल भी तोड़ें, पूरा पौधा को जड़ से काट लें और जो पौधा है उसको चॉपिंग करके काट कूट करके इसको कंपोस्ट पिट में डाल दें और उसको गड्ढे में दबा दें। उसके अलावे बैक्टीरिया से निर्मित कीटनाशी जो बाजार में मिलता है डेल्फिन नाम से, बायोलिप नाम से, बायोबिट नाम से, सभी एक ही है जिसको कहते हैं बैसिलस थुरिंजियेंसिस, तो इसका 2 ग्राम या 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसको पानी में घोलें और उसका जलीय छिड़काव खेत में 10-15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता के हिसाब से करें। और नीम से निर्मित कीटनाशी ये बाजार में उपलब्ध है, उसका ही 4-5 ml प्रति लीटर पानी के दर से जलीय घोल बनाएं, इसका छिड़काव आप आवश्यकतानुरूप कर सकते हैं। और अंत में अगर ऐसा करने से भी आपको निजात नहीं मिल रहा है तो रासायनिक कीटनाशी जो फ्लूबेंडामाइड के नाम से जाना जाता है और व्यापारिक नाम फेम है, अगर फेम डालना है तो 0.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं, और अगर कल्डान डालना है तो 1.5-2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल बनाएं और उस जलीय घोल में कोई स्टिकर मिला दें, वेटिंग एजेंट मिला दें, टिपोलॉजी वगैरह, और उसका छिड़काव करेंगे तो आपका जो फसल में नुकसान हो रहा है DBM के चलते, डायमंड में बहुत के चलते, वो नुकसान हो जाएगा और भरपूर फसल आप ले पाएंगे। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य बिहार और झारखंड में आम के बाग प्राय सभी स्थानों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसान इन बागों की देखरेख उसी समय करते हैं जब इनमें फलन होता है, जबकि अच्छे फलन के लिए आम के बागों में समय समय पर बागों का प्रबंधन करना जरूरी होता है। जैसा कि अभी मौसम में बदलाव हो रहा है और इस समय आम के बागों में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, तो वे कौन कौन से कार्य हैं, आइए जानते हैं कृषि विभाग जिला मधुबनी कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार से। किसान बंधु, वर्तमान समय में जितनी भी समस्याएं हैं, आम के बगीचे में सबसे पहले तो जाकर देख लें कि आपके आम के पेड़ों में अगर कहीं भी सूखी डाल नजर आती है तो उसे एक गांठ नीचे से किसी तेज औजार से उसे काट कर गिरा दें। तने को आपने काटा है, इसकी रोकथाम के लिए या तो आप बोर्डो मिश्रण किसान भाई खुद बनाकर उस पर लेप लगा दें, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 1 लीटर पानी में 3 ग्राम की मात्रा घोलकर पूरे पेड़ को धुलाई कर दें, इससे सारे सड़न रुक जाएंगे। और एक किसी टीसी या अंडी जैसी कोई भी चिपचिपे पदार्थ वाली तेल में आप 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड देकर किसी लकड़ी की सहायता से मिला लें और उसको ब्रश की सहायता से उन घाव वाले, उन जख्म वाले या जहाँ भी आपने काटा है वैसे स्थानों पर लेप लगा दें, आपके पेड़ सुरक्षित हो जाएंगे। कीट एवं व्याधियों का प्रबंधन। बाग की समुचित देखभाल के अभाव में वृक्ष कभी कभी तना भेदक कीट से ग्रसित हो जाता है। कीट द्वारा बनाए सुराख में लोहे की पतली तीली डालकर कीट के लार्वी को बाहर निकाल कर नष्ट कर देते हैं, और कीटनाशी दवा न्यूवान में भीगे रुई के फुहा को छेद में रख कर छेद को गीली मिट्टी से बंद कर देते हैं ताकि जहरीली गैस से कीट के लार्वी आदि मर जाएं। इसके अलावा आप अपने पेड़ों में देखें कि सबसे पहले कहीं तना छेदक, उसका पहचान सबसे पहला ये है कि वहाँ से लकड़ी के बुरादे गिरते हुए नजर आएंगे, या फिर छाल खाने वाली सुंडी जहाँ छोटे छोटे असंख्य छिद्र होंगे और वहाँ से भी लकड़ी के बुरादा और उन कीटों के मल गिरते हुए नजर आएंगे। अगर उन सभी काम करने के बाद 1 लीटर पानी में डाइक्लोरोबास नुवान नाम से मिलती है, आप नुवान की 72% की वो मात्रा 2 ml डाल दें 1 ml में, और किसी सिरिंज से जिससे सुई दी जाती है सिरिंज की सहायता से 1-2 बूंद प्रत्येक छिद्र में डाल दें और उसे गीली मिट्टी से बंद कर दें, वरना वहाँ से लकड़ी का सड़न शुरू हो जाएगा और आपके पेड़ वहीं से टूट कर गिर जाएंगे। किसान बंधु, इन 2 क्रियाओं के बाद आपको ये ध्यान देना है कि ऐसे कौन से चीज हैं, कौन से ऐसे कीट या ऐसे रोग हैं जिससे आपकी आगामी फसल प्रभावित हो सकती है। इसमें सबसे पहला है दहिया कीट। वह दिसंबर की शुरुआत होते ही इसके छोटे छोटे शिशु जो मिट्टी में रहते हैं वो
हर छोटे चपटे और गुलाबी रंग के होते हैं, वो निकलकर पेड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं। इसकी रोकथाम का ये सबसे सही समय है। इसके लिए किसान बंधुओं को उसके जड़ के आसपास तने, मुख्य तने के आसपास की मिट्टी की कोड़ाई कर दें और उसमें क्लोरोपाइरीफास या फिर फेनवाल, फेनवेलेट नाम से जो धूल मिलती है, वह पाउडर 250 से 500 ग्राम की मात्रा पेड़ की फैलाव के अनुसार आप उसकी मिट्टी में मिला दें अच्छी तरह और उसे छोड़ दें। दहिया कीट से अपने पेड़ों पर चढ़ने से आप रोकने का सबसे सही तरीका ये है, जमीन की सतह से 1 फीट ऊंची उसके तने में 1 मीटर की लंबाई में गीली मिट्टी से लेवा दे दें ताकि उसके छालों में जो दरारें होती हैं वो भर जाएं और उसकी सहायता से, इन दरारों की सहायता से दहिया कीट ऊपर न चढ़ पाए। और इस गीली मिट्टी में आप किसी पॉलीथीन की, सेलोटीन की किसी भी परत को उसमें चिपका दें, ऊपर नीचे दोनों तरफ सुतली से बांध दें और उसके निचले सिरे को और उसके ऊपर वाले सिरे को दोनों को या तो गीली मिट्टी से या ग्रीस से चिपका दें, अच्छी तरह चिपका दें। इससे ऐसा होगा कि ये शिशु या वयस्क कीट इसके ऊपर चढ़ने में वहाँ चिपक जाएंगे और नीचे की ओर गिर जाएंगे, आपके पेड़ सुरक्षित रहेंगे। किसान बंधु, इन तीनों चीज़ों की देखभाल करने के बाद अपने पेड़ों पर आप ध्यान दें, दो तरह के कीट नजर आएंगे। कहीं कहीं देखेंगे कि बड़े बड़े गुच्छे पत्तों को जोड़कर बना लिए हुए, उसमें लाल रंग की चींटी फायर एंट होती है, वो उसमें भर जाती है, उसमें अंडे देती है, अपना वह कुनबा तैयार करती है, वह पत्तों को भीतर की ओर से वो छाल खा लेती है और आपके पेड़ों को परेशान करती है, जिससे उत्पादन में बहुत ही प्रभावित होता है। किसान बंधु, इनकी रोकथाम के लिए कीटनाशक की सहायता लेंगे। किसान बंधु, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके पत्तों में भूरे रंग के उभार नजर आएंगे, वो नीचे की ओर उठी हुई होती है और ऊपर की ओर भी गड्ढे की तरह होती है। ऐसे सारे पत्ते जब बौर आने की समय होंगी तो वो सूख कर नीचे गिरेंगी और आपके उत्पादन को प्रभावित करेंगी। इसकी रोकथाम के लिए साफ या कंपेनियन नाम की दवा बाजार में उपलब्ध है, जो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिश्रित है। आप इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करने से आपके ये सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा अगर ये एक स्प्रे आप इसकी कर सकते हैं, दूसरी धुलाई आप COC से, जो बहुत सारे नामों से बाजार में उपलब्ध है, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स 50 या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो ब्लाइटॉक्स 50 ब्लू कॉपर COC बहुत सारे नामों से उपलब्ध है। इसमें 1 लीटर की मात्रा इसकी 3 ग्राम प्रति लीटर घोलकर आप इसका छिड़काव कर देने से इन एंथ्रेक्नोज पर बहुत हद तक नियंत्रण हो जाता है। किसान बंधु, यथासंभव रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करने के लिए इन तरह की क्रियाओं का करना सबसे जरूरी होता है। यह इंसान के लिए किसी भी तरह का नुकसान रहित होगा। अपने राज्य में लघु और सीमांत किसान खेती के साथ बकरी पालन व्यवसाय को अपनाए हुए हैं और इनसे अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बकरियों को संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ आवास व्यवस्था को सही रखना तथा ठंड से बचाने के लिए कई उपायों को अपनाना होगा, तो चलिए जानते हैं सर्दी के मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर DR पचौरी। किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं सर्दियों में बकरियों के रखरखाव की। जैसा किसान भाइयों, आजकल बकरियां जन नहीं है। किसान भाइयों, बकरी पालन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए बकरी के मेमनों के जन्म के बाद उनकी देखरेख किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहली बात तो क्या है, जैसे ही बच्चे जनते हैं बकरियों को अपने पूरे ग्रुप से अलग रखना है और जैसे बकरी जनती है तो उस बच्चे की साफ सफाई करनी है, उसकी नाल पर टिंचर आयोडीन लगानी है, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि जो मृत्यु दर है बच्चों की सबसे ज़्यादा इसी समय होती है। और उन बकरियों को 7 दिन तक जंगल में चरने के लिए नहीं भेजना है, उनको बच्चे को और माँ को साथ ही रखना है, जिससे उसकी गंध से वो परिचित हो जाए और उसको आराम से दूध पिला दे। शुरू का जो दूध है 2 दिन का, वो बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। और किसान भाइयों, जो बकरियां जनी हैं उनको 200 ग्राम रातम मिश्रण बाटा जरूर खिलाएं, जिससे दूध भी बढ़ेगा और बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी, क्योंकि बकरियां
डेढ़ महीने बाद फिर हीट में आएंगी और वो कवर हो जाएंगी। इसलिए उन बकरियों को 2 महीने तक आराम से उनको अच्छा दाना खिलाना है, हरा चारा खिलाना है। ये क्या है, हरा चारा बकरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बरसीम भी अच्छी प्रोटीन देता है, लूसर्न भी है, लूसर्न लंबे समय तक रहता है, और जई है, जई में भी अच्छी प्रोटीन रहती है। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, अपने खेतों में ज्वार भी जौ भी लगा देते हैं, जिसकी पहली कटिंग उनके हरे चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। हाँ किसान भाइयों, एक बात का ध्यान रखें, जब बकरियाँ शाम को जंगल से चर के आती हैं उस समय उनको आप रातम मिश्रण दाना शाम के समय खिलाएं, और अब जो बरसीम आएगी, बरसीम को आप शाम को काट के रख के सुबह खिलाएं, और जो सुबह बरसीम काटी है उसको शाम को खिलाएं, खेत से ला के तुरंत न खिलाएं, कि उससे अफरा के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही जो आपके बाड़े में खैर है, पानी की खैर है, उसमें चूने का प्रयोग जरूर करें, चूने की पुताई जरूर करें, 8 दिन में एक बार चूने की पुताई करें और साफ पानी उसमें भरें, क्योंकि स्वच्छ पानी बकरियों को पिलाना बहुत जरूरी है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा बाड़ा बनाएं, उसके चारों तरफ पल्ली बोरी पाल कुछ भी लगा दें, जिससे उसमें हवा का प्रवेश न रहे, और रात को उन बच्चों को नीचे पुआल या जो भी घास है उसको बिछावन करने के बाद उसमें बच्चों को रखें। बच्चे शुरू में 15 दिन तक मिट्टी के टच में नहीं आने चाहिए, मिट्टी को नहीं खाने चाहिए। जब बच्चे मिट्टी को खाते हैं तो उसमें क्या है कि जो पेट के कृमि हैं वो उनके पेट में हो जाते हैं और नुकसान करते हैं। और सुबह बच्चों को दूध पिलाएं, खास करके अभी जैसे सर्दी ज़्यादा आ जाएगी तो बच्चों को बाहर निकाल के दूध नहीं पिलाना है। कुछ बकरियां दिसंबर में भी जनेंगी या जनवरी में जनेंगी, उन बकरियों के लिए क्या है, उन बच्चों को बाड़े के अंदर ही दूध पिलाना है। होता क्या है कि किसान भाई उन बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और बाहर का टेम्परेचर कम रहता है, जिससे उनको निमोनिया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही किसान भाइयों, जो अपना बाड़ा है उसके बाड़े की साफ सफाई जरूर रखें। चूने का जो बुरकाव है, 1 हफ्ते बाद चूने का बुरकाव, जो चूना पाउडर है, वो जरूर डालें और पूरी साफ सफाई करें। यदि पक्का फर्श है आपका तो 15 या 20 दिन में जाके उसके एक बार धुलाई भी कर दें। साथ ही जो जालियाँ हैं उसमें आप बोरी टाट पल्ली बिछा बांध सकते हैं। उनका यह है कि आप सुबह उनको 8 बजे ऊपर मोड़ के ऊपर टांग दें, जिससे उसमें हवा का और धूप का आवागमन रहे, और साथ ही जो रात के समय जो हवा का आवागमन है उसको रोकना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दी लग जाएगी। बकरियों को जंगल ले जाते समय क्या करना है, होली और दीपावली के आसपास आप लोगों को पेट के जो कृमिनाशी हैं उनकी दवा खिलानी है, क्योंकि बकरियों को जो कृमिनाशी हैं, पेट में कीड़े हैं, उनकी दवा देना बहुत ज़रूरी हो, जैसा बैन मिंथ है, एलवंडा जॉल है, फेलवंडा जॉल है, बहुत सी गोली आती हैं, आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से या मेडिकल स्टोर से जाके ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और किसान भाइयों, कुछ बकरियों के खुर भी बढ़ जाते हैं, तो आजकल उनके खुरों को हल्का हल्का ब्लेड की सहायता से या दराती की सहायता से आप निकाल सकते हैं। ध्यान रहे उनका कच्चा नाखून नहीं कटना चाहिए, क्योंकि उनको जब ग्रेजिंग जाती है, चढ़ने जाती हैं, तो थोड़ी समस्या का समा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो चलने में पाँव ऊबड़ खाबड़ सी जगह में पड़ता है, इसलिए उनके नाखून को काटना बहुत ज़रूरी रहती है। साथ ही FMD के, PPR के और निमोनिया के जो टीके लगाए जा रहे हैं, आप अब नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाएं और डॉक्टर साहब से बात करके अपने पशुओं को यह टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि टीकाकरण कराना पशुओं को बहुत आवश्यक है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगात बोई गई गेहूँ की फसल जो कि 20 से 25 दिन की हो गई हो, उसमें पहली सिंचाई का काम करें। सिंचाई के 1 से 2 दिन बाद 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। पिछले माह बोई गई आलू की फसल में निकोनी का काम करें। निकोनी के बाद
यूरिया की शेष बची आधी मात्रा का प्रयोग फसल में करें तथा पौधों के पास मिट्टी चढ़ाने का काम अवश्य करें। यदि भूमि में नमी की कमी हो तो आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। आलू की फसल में अगाध झुलसा रोग से बचाव हेतु 2 से 2.5 ग्राम मैनकोजेब दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गन्ने की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है, अतः किसान भाई गन्ने की COP 9301, COP 2061, BO 91, BO 153 एवं BO 154 आदि किस्मों का चयन करें। बुआई से पूर्व गन्ने के बीजों को फफूंदनाशक दवा से अवश्य ही उपचारित कर लें। किसान भाई पिछेती राई की बुआई जल्द ही समाप्त करें। पिछले माह बोई गई तोरी, राई और सरसों की फसल में निकोनी तथा बाछनी का काम करें, साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें एवं सिंचाई के बाद 30 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में व्यवहार करें। प्याज की नर्सरी से खरपतवार निकालें तथा प्याज की रोपाई के लिए खेत की तैयारी करें। चारे के लिए जई और बरसीम की बुआई करें। सब्जियों में निकाई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय प्रदेश में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, अतः अपने दुधारू पशुओं को जाड़े से बचाने के लिए उन्हें रात के समय पशुशाला में बांधें एवं जूट के बोरे पशुशाला की खिड़की और दरवाजों पर लगा दें। पशुपालक किसान भाई खुरपका मुहपका रोग से बचाव हेतु अपने गाय एवं भैंसों का टीकाकरण अवश्य करावें। डेगनेला बीमारी से बचाव के लिए गाय एवं भैंस के बछड़ों को धान का पुआल सुखाकर ही खिलाएं। फफूंदी लगे धान या पुआल नहीं खिलाएं। साथ ही प्रत्येक वयस्क पशु को 50 ग्राम प्रतिदिन एवं बछड़ों को 20 ग्राम प्रतिदिन खनिज मिश्रण आहार के साथ अवश्य दें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जिस प्रश्न को हमने शामिल किया है उसे पूछा है पहरपुरा जिला वैशाली से दीप चंद्र जोशी ने। आप बटेर की उन्नत नस्ल एवं प्राप्ति के स्थानों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो दीप चंद्र जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। बटेर पालन मुर्गी पालन के वैकल्पिक रूप में इसे अपनाया जा सकता है। इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात इसके पालने में बीमारियां या टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और बीमारियां भी बहुत कम होती हैं। और इसकी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ प्रचलित हैं, उसमें टॉक्सिडो, फरा, ब्रिटिश रेंज, इंग्लिश वाइट, मैंचूरियन गोल्डन इत्यादि वैरायटी है, जिसमें से हम लोग इसका पालन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो चूजे उपलब्ध हैं, वो चूजे जब भी आप खरीदें तो कहीं किसी न किसी सरकारी संस्थान जो कि रेपूटेड है, जैसे भागलपुर आसपास के लिए बिहार कृषि महाविद्यालय के हैचरी से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। पटना के आसपास के जो लोग हैं वो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में जो हैचरी है वहाँ से आप इसका चूजा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर से आप इसका चूजा प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्टार्टअप झारखंड से जुड़कर अब खेती होगी आधुनिक। ड्रिप पद्धति से फसलों की सिंचाई करना किसानों के लिए लाभकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800414155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।